सुख और उम्र, इन दोनों की हमेशा दुश्मनी रही है, इन दोनों की आपस में बनी नहीं। किस किस चीज की नहीं बनी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा। सुख और उम्र, उम्र मतलब हमारी आयु, उम्र, इन दोनों की कभी नहीं बनी। आपस में इन दोनों का झगड़ा है, इन दोनों की अंटी रहती है हमेशा, दुश्मनी रहती है। किस किस चीज की बोलते जाओ, जम के बोलो जरा। सुख और उम्र, जब सुख आता है तब उम्र चली जाती है, जब उम्र रहती है तब तक सुख पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब मिलेगा, बहू आएगी, सुख मिलेगा, गरम रोटी देगी, सुख मिलेगा। हम सुख को पाने का प्रयास करते हैं और गरम रोटी तो नहीं मिलती, पर गरम गरम सुख और उम्र की हमेशा झगड़ा रहा है। सुख और उम्र का कभी नहीं बना, सुख और उम्र में आपस में कभी संबंध अच्छे नहीं रहे। जब व्यक्ति की उम्र निकलती है तब उसे सुख मिलना प्रारंभ होता है, और वो थोड़ा सा समय 30, 35, 20, 25, 30 साल पूरी जिंदगी संघर्ष में निकल गई, सुख पाने में निकल गई, पूरी जिंदगी कमाने में निकल गई, और सुख का समय जब आया तो मालूम पड़े सीता। सुख और उम्र दोनों विपरीत, दोनों सुख पाने के चक्कर में दुनिया के लोगों की पूरी उम्र चली जाती है, और जब उम्र चली गई तब सुख मिला तो क्या फायदा। बोलो री जी जी, सही है कि गलत है। शादी करके नए नए आए थे, विवाह कर नए नए पधारे थे, अब नए नए तुम शादी कर आए थे, विवाह कर आए थे, तो जरा विचार करिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नवा दसवा करवा चौथ का व्रत पड़ा। सही मायने में बताओ, पति तुमको जब साड़ी दिलाता, पति तुमको जब रकम दिलाता तो अच्छा लगता कि नहीं लगता? अरे बोलो तो जम के जरा, लगता ना। अब तुम्हारी उम्र ढल गई, 55 साल के हो गए, सोफा सेट भी गड़बड़ हो गया, खिड़कियां बेकार हो गई, और अब सुख आया, धन आया, और पति ने कहा मेरा मन कर रहा है चल सुनार की दुकान पे, चल तुझे आज मैं नेकलेस दिला दूं, चल सुनार की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे मैं तुझे कपड़े दिला दूं। अब पत्नी कहेगी अब तो पूरी जिंदगी हो गई, बच्चों के लिए ले लो, अब तो बच्चों का ब्याह करना है, बहू आएगी, बहू को चढ़ा देंगे, बहू के हिसाब से ले लो, बच्चों के हिसाब से ले लो, इनके हिसाब से लो। अब मना कर देगी वो, अब मेरे लिए मत लो, अब तुम बच्चों के लिए परिवार के लिए लो, अब मेरे लिए नहीं, अब परिवार के लिए और बच्चों के लिए लो, अब मेरे लिए मत। सुख और उम्र, इन दोनों का झगड़ा है। जब सुख आता है तब उम्र चली जाती है, और उम्र जब रहती है तो व्यक्ति सुख पाने के चक्कर में पूरी उम्र गंवा बैठता है। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इन दोनों का झगड़ा है, सुख का और उम्र का।